हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। द टाइम राइट नाउ इज 4 in the morning एंड वी हैव डिसाइडेड टू हैव 200 किलोमीटर राइज टू अयोध्या। बाय द वे, फिलहाल हमें वाराणसी में और हम आए थे देव दीपावली के, जिनको नहीं पता। अरे योगेश भैया, सो योगेश भैया और हमारे साथ पूर्वी, हम तीनों कर रहे बाइक राइड फ्रॉम वाराणसी टू अयोध्या। अयोध्या, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले अपना लगेज लोड करते गाड़ी पे, फिर उसके बाद निकलते एकदम फटाफट। हाँ हाँ फटाफट। रेडी हो गए सब लोग, निकलेंगे। चलिए गोपाल चाचा, मुलाकात होगी अगले बार आएंगे तब, ठीक है। ताला देखिए उधर, योगेश भैया अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, उसके पीछे मेरी गाड़ी रहेगी। चलो भाई, आखिरकार हम लोग निकल गए बनारस से, बाबा का एक आशीर्वाद लेके, काल भैरव जी का हम लोग निकल चुके। और सुबह तकरीबन 4:30 बजे हम निकल चुके। क्या हुआ? हाँ हल्की हल्की ना। हाँ, पूर्वी और योगेश मेरे सामने, वो लोग एक बाइक पे हो गए और मैं और मेरे साथ पूरा लगेज हम लोग का एक बाइक पे हो गया। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। निकलते बाबा का नाम लेके, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चल भाई टंकी पे आ गए, दोनों गाड़ी के टंकी फुल करा लेते, क्योंकि बार बार पेट्रोल भराने थोड़ी रुकेंगे कहीं रास्ते में। चलो निकलते। टाइम क्या हो रहा है भैया वैसे? 5 बज गया। 5 बज गया भाई। हाँ 6 बजे तक मेरे इधर पहुंच जाएंगे जौनपुर। बारिश इधर चालू हो चुकी है, तो हमने अप्रॉक्स लगभग 5 किलोमीटर आए, शायद 5 किलोमीटर आए। कितना किलोमीटर आया अभी तक? अरे भैया क्या बताए, 11 किलोमीटर है, 11.5 किलोमीटर है। बारिश चालू हो चुकी है जिसमें पूरे पैर और जूते गिल्ले हो चुके हैं, इधर देख सकते हो, और इसलिए हम लोग ने रुकने का थोड़ा सोचा है बस, ठीक है। हाँ भाई, पीछे से सारा कफ निकल जाएगा। हाँ भैया, तो वो भी नहीं मारता हूँ ना भाई। तो भाई कौन सोचा था ठंडी के मौसम में अपनी फर्स्ट बाइक ट्रिप पे इतनी फास्ट बारिश होगी कि आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, और पूरे सब कुछ गीले हो चुके हैं इधर से इधर इधर। ये भाई अपना फोटो खिंचा रही है और ये भाई अपना मोबाइल चला रहे। और बरसाओ, काहे बरसाओ भाई, नहीं जाना है क्या? रुक जाओ बारिश। और हमने रेनकोट कैरी किया नहीं है। चाय आ गई, उठो भाई, उठो, चाय आ गई। चलो ये देखो ओस कैसा जम रहे, देखो इस पर पूरा फॉग फॉग जम गया। VADL बादल। पहले बोलना चाहिए था ना जब जा रहे थे तब। बरोबर क्या नहीं भैया, तब तक फोन में लगे थे। देखो कितना ओस जम रहा है गाड़ी पे, ये सब पानी के बूंदे नहीं है, ये सब ओस है, ओस। लाओ भैया चाय लाओ। चलो भाई, बारिश अभी अभी थोड़ी रुकी और हम लोग निकल चुके, और द टाइम इज राइट नाउ 6:45 अप्रॉक्स, और निकले तो 5 बजे, लेकिन इधर ही हम लोग ने आधा घंटा से 45 मिनट वेस्ट कर दिया, कि ये थोड़ी बहुत बारिश अभी भी ड्रिजलिंग चालू है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, लेकिन उतना मैनेजेबल है करके हम लोग निकल रहे हैं। एंड दैट्स ऑल, बाकी सब तो बढ़िया है। जय श्री राम, जय श्री राम, चलो चलते हैं। चलो भाई, कवर्ड हाफ ऑफ दी वे, जस्ट पहुंचने वाले मेरे गांव अप्रोक्स 10 से 15 किलोमीटर में, और उसके बाद
उसके बाद क्या, थोड़ा उधर बैठ के फिर निकलेंगे अयोध्या के लिए। बाकी मजा तो बहुत आ रही है राइड करने, मजा आ रही है। चलो सही है, तुम जाओ भाई बैग के अंदर, मोबाइल रहता है इसमें। चलो भाई आखिरकार पहुंच गए। इतना कर देने का, जैसे ब्रश होता है ना, हम लोग हर तरफ कर लेते हैं उतना ही, सेम ब्रश जैसे ही है। घर पहुंच गए। इस समय और एक बारिश के समय तो छोड़ो, चिक्कल भी रहता है रास्ते में, ये ठंडी के समय हरियाली अच्छी हो जाती है गांव में। खेती कर रहा, खेती कर रहे है। ठीक है, चाहो भाई के इनके सामने सबकी इंग्लिश फेल है, आपकी इंग्लिश तो ना अंडरस्टैंड इज Somebody you are not reading this pattern. ये हाई लेवल इंग्लिश है। नेट जियो के ओनर है, वो बहुत बड़ा एक है, ट्रेवल चलते तो गांव के ऊपर आई है रिसर्च करने। थोड़ा हमारा ऑफिस का जो है सीन है, फोटो वोटो हिरन डाल देना। और आप क्या होता है, प्यार भी कर दो। देखो मैं, अरे रुको पहले अंदर आओ, पहले मामा, अब गाइड यही मामा आओ। मेरा ऑफिस है, चरण ऑफिस है, देखो कुर्सी रखा हूं। इधर मीटिंग होती है बड़ी बड़ी ना, होती है शाम को। कोई मुद्दा मैटर हुआ, इंग्लिश में पीपल नॉट रिक्वायरमेंट दी अंडरस्टैंड दिस सॉन्ग इवन जी। अलग अलग बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हो, बताओ प्रदेश लेवल का क्रिकेटर, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल का। ये तो इस समय कसम देख रही हो ना, मैच होता है पोजीशन देखोगे तब कहोगे भाई। हाँ बल्ला दिखा दो आपका कोई, मेरा नाम देखो उसमें लिखा है यार। हाँ मगध पेपर में छपे है मगध नाम है। अगर विराट कोहली अगर कप्तान नहीं होता ना तो शायद यही होता, तो शायद यही होता है। छक्का मखदुमपुर से जीते उद्घाटन मैच, पोजीशन में नहीं होने। अरे वो एडिट हो जाता है। जय श्री राम। ऑल सेट भाई, फिर से निकल चुके हम लोग, थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड करके अब इधर से सीधा अयोध्या। लाइक कितना किलोमीटर है, 167 किलोमीटर अप्रॉक्स, एंड 4 hours जाएंगे तक। भैया 4 घंटे कहाँ का आ रहे हो भाई, 4 घंटे 4 घंटे चटल में। चलो 4 घंटे सिर्फ बाइक राइड, हेलमेट पहन लेते। अरे यार एमसील नहीं देखी। ऑल सेट लेट्स गो। शाम को निकलेंगे। चलो ठीक है भाई, एक जगह और रुक गए, थोड़ी फिर से बारिश होने लगी। बस तो यही सब है। वी हैव कवर्ड अप्रॉक्स 100 kilometers और अभी और 135-150 kilometers और बाकी है। उसके पहले टाइम हो रहा है कुछ 10 एंड थोड़ा नाश्ता कर लेते। क्या खा रहे भाई? आलू पराठा, आलू प्याज पराठा। हाँ हम ले रहे आलू प्याज पराठा, ठीक है खाते एंड फिर निकलते। आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ मुझे भी कुछ इस प्रकार से आवाज़ नहीं आ रही थी, और मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ एडिटिंग के टाइम। तो द थिंग इज दिस, मैं इधर बोल रहा था कि यार बहुत अच्छी रोड थी, मतलब हमें तकरीबन 40-50 लगभग 80 से 100 किलोमीटर ऐसी प्यारी मक्खन रोड मिली थी जो एक्सप्रेस वे बना है जौनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक का। बस आगे कंटिन्यू करते। इतनी मस्त राइड, पहली राइड हो भी इतनी अच्छी 250 किलोमीटर की। वाओ और क्या वेदर हुआ है, मतलब पहले बारिश फिर अच्छी धूप निकली और अभी एकदम प्लेजेंट वेदर हो चुका है एकदम, ना बारिश ना धूप ना गर्मी। वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, मैं बोलने वाली थी सो ब्यूटीफुल, यस लुकिंग लाइक अ वाओ। सीजन ने इसमें एक ब्रेक लिए, ब्रेक नहीं बोल सकते, मतलब बहुत अच्छी राइड, बहुत स्मूथ राइड हो रही है ना।
राइड बहुत स्मूथ है ना, एक नंबर, बहुत अच्छी राइड है, एकदम मस्त स्मूथ रोड है, आराम से 80-100 लगा जा रहे। और एक्चुअली ना इधर ना अपने मुंबई जैसा गर्दी भी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है उतना, तो आराम से भगा सकते हाईवे पे भी। जय श्री राम। एक छोटा सा ब्रेक और लिया था हमने, पूरी नाक खुल गई सर्दी वाली अदरक खा के। मोर कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 65 मोर 65 किलोमीटर, मतलब एक घंटा लगभग चलाए, अच्छे से चलाए तो एक घंटा, ऐसे सवा घंटा, क्योंकि हाईवे से नहीं जा रहे हैं। हाँ अभी हाईवे आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। मोर 60 किलोमीटर ऐसे रोड से, लेकिन मजा आ रही है, आराम से आ रहे, ऐसा कोई कैरी ऑन करते। चलो मोर 50 किलोमीटर टू अयोध्या बाबा की नगरी। जय श्री राम। क्या भाई, क्या हाल है भाई के? मैडम का फोटो लेना है, रुको यहाँ से लेना पड़ेगा। अयोध्या अयोध्या अयोध्या। आखिरकार अयोध्या पहुंच गए, पहुंच गए राजा श्री राम की नगरी। बोलो जय श्री राम। जस्ट 4 किलोमीटर हम ढूंढ रहे कोई और अच्छा सा होटल रहने के लिए, स्टे करने के लिए। गेटिंग टू सी दैट अयोध्या के राम मंदिर के लिए काम बहुत ही ज्यादा जोरों में चालू है। रोड सारी चौड़ी कर दी गई है और अभी भी साइड के और भी घर टूट गए। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब जनवरी की तैयारी चालू है। We are here finally at Ayodhya, Shri Ram Janmabhoomi. चलो भाई आखिरकार हम लोग पहुंच गए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि। बोलो पहले, सबसे पहले एक नारा, सियावर रामचंद्र की जय। एंड हम लोग सुबह निकले थे अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट 5:30 बजे के अराउंड, 5 बजे के अराउंड। एंड अभी टाइम हो रहा कितने बजे हम पहुंच रहे पता है? 3 या 4 बजे, मतलब हम लोग को 9 घंटे लग गए लिटरली। मैं तो शौक हूँ, लेकिन एक्चुअली 4 से 5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन हम लोग हर जगह स्टॉप लिए, आराम से खाते पीते घूमते टहलते हैं। ठीक है, तो अभी 2 घंटा रेस्ट करके ये प्लान रखेंगे कि 6 बजे निकलेंगे। ठीक है, बस जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नागेश्वर नाथ की जय, श्री सुरेश्वर नाथ की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय।